नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस्ती टेक। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने कंप्यूटर के किसी स्पेसिफाइड फोल्डर का या फिर इंपॉर्टेंट फोल्डर का या फिर ड्राइव की जितनी भी फाइल्स हैं उनका जो बैकअप है वो डायरेक्टली गूगल ड्राइव पर कैसे रख सकते हैं और वो भी ऑटोमेटिकली, यानी कि लगातार आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट रहेगा और आपकी जो फाइल्स हैं लगातार बैकअप के तौर पे गूगल ड्राइव पे आपके गूगल ड्राइव अकाउंट पे सेव होती रहेगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि गूगल ड्राइव की आप एक लोकल ड्राइव कैसे बना सकते हैं अपने सिस्टम में जिसको आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। काफी पसंद आया आप लोगों को और मैंने आपको कुछ वीडियो पहले बैच स्क्रिप्ट की हेल्प से भी बैकअप रखना बताया था आपकी हार्ड डिस्क में। लेकिन काफी सारे लोगों का कमेंट आया कि सर हमें अपना जो बैकअप है वो गूगल ड्राइव पर रखना है, तो यहां पर लीजिए आपके सामने सॉल्यूशन हाजिर है। तो गूगल ड्राइव पर बैकअप रखने के लिए आपको गूगल ड्राइव की जो एप्लीकेशन है विंडोज एप्लीकेशन है वो अपने सिस्टम में सबसे पहले इंस्टॉल करनी है। तो इसका प्रोसेस मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है। तो जस्ट आपको क्या करना है, ब्राउजर पे जाना है और डाउनलोड गूगल ड्राइव ऐप यहां पे लिखना है और डायरेक्ट आप गूगल ड्राइव की जो ऐप है गूगल की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे। यहां पे आपके पास डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। लगभग 277 MB के समथिंग का ये एप्लीकेशन है, इसको आप अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे। पूरा प्रोसेस मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है, आप पिछले वीडियो का भी रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। देन यहां पर आपके पास गूगल ड्राइव की इस तरीके से शॉर्टकट आ जाएगी, शॉर्टकट आइकन आ जाएगा। ओके, शॉर्टकट आइकन आने के बाद यहां पर आपको क्या करना है, शॉर्टकट पे क्लिक करना है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि गूगल ड्राइव इंस्टॉल होने के बाद आपके क्विक लॉन्च टूल बार में भी गूगल ड्राइव का ऑप्शन यहां पर आ गया है, ठीक है। तो आप गूगल ड्राइव पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर आप, मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहां पर फर्स्ट टाइम सबसे पहले आपको अपने गूगल जीमेल अकाउंट से इसको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे साइन इन पे आप क्लिक करेंगे जो कि डायरेक्ट आपका ब्राउजर ओपन करेगा। देन यहां से आप अपनी जीमेल के थ्रू आप अपने गूगल ड्राइव में लॉगिन करेंगे, जिससे क्या होगा ये डायरेक्टली आपकी एप्लीकेशन से कनेक्ट हो जाएगा, सक्सेस यहाँ पे लिखा आ जाएगा। तो साइन इन करने के बाद यहां पर जब आप क्विक लॉन्च टूल बार में यहां पे गूगल ड्राइव पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको आपके अकाउंट का स्टेटस शो होगा, कितना स्पेस आपने कंज्यूम कर रखा है, कितना फ्री है। ओके, देन यहां पर आपके पास एक सेटिंग का बटन आएगा, सेटिंग पे क्लिक करेंगे। देन प्रेफरेंसेस का बटन आएगा, प्रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। प्रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, माई कंप्यूटर और गूगल ड्राइव, ठीक है। माई कंप्यूटर मतलब आपके कंप्यूटर का आप फोल्डर यहां पर ऐड कर सकते हैं और गूगल ड्राइव आपका जो गूगल अकाउंट है उसमें जो भी फाइल्स आप डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करके या फिर जैसे भी ऐड करते हैं उसका स्टेटस यहां पे शो करता है। तो आपको अपने सिस्टम से किसी फोल्डर या ड्राइव का अगर बैकअप लेना है तो आपको यहां पे क्लिक करना है, ठीक है। यहां पे माई कंप्यूटर इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि ये मेरा कंप्यूटर का नेम है, माई कंप्यूटर। यहां पे अगर आपके जो भी कंप्यूटर है उसका नाम होगा वो यहां पे शो करेगा। ओके, तो मुझे क्या करना है, इस पे क्लिक करके ऐड फोल्डर पे क्लिक करना है और ऐड फोल्डर पे क्लिक करके मुझे यहां पर जो फोल्डर आपको यहां पे सिलेक्ट करना है बैकअप के लिए वो यहां पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, चाहे वो ड्राइव ही क्यों ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरा यहां पे एक डेली वर्क का फोल्डर है जिसमें कुछ फाइल्स है। ओके, तो इन फाइल्स का जो बैकअप है मैं चाहता हूं कि गूगल ड्राइव पर जाता रहे और सपोज मैं नई फाइल भी क्रिएट करता हूं तो वो भी वहां पर जाती रहे और इनमें कुछ अपडेट करता हूं तो वो ऑटोमेटिकली गूगल ड्राइव पर मेरे अपडेट होती रहे। तो हमें क्या करना है, सिर्फ यहां पे ऐड फोल्डर पे क्लिक करना है और यहां पर जहां पर भी आपका फोल्डर है उसको लोकेट करना है, देन उसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये क्लिक करने के बाद आपके पास एक सेटिंग का ऑप्शन होगा जिसमें आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, सिंक विद गूगल ड्राइव। सिंक विद गूगल ड्राइव में जितनी भी फाइल्स होंगी, चाहे वो डॉक्यूमेंट फाइल हो, चाहे वो फोटोज फाइल हो, चाहे वो वीडियो फाइल हो, सभी सिंक होंगी जिनको आप एडिट वगैरह सब चीजें कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आपके पास ऑप्शन आता है अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ फोटोज और वीडियोज का ही आप बैकअप चाहते हैं अपने गूगल ड्राइव पे तो आप सेकंड ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं मुझे सभी तरीके की फाइल्स इंक्लूड करनी है, चाहे वो डॉक्यूमेंट फाइल हो, चाहे वो टेक्स्ट फाइल हो, चाहे वो फोटो फाइल हो, चाहे वो वीडियो फाइल हो। तो जस्ट आप फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करके आप डन कर देंगे। डन करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं यहां पे मर्ज विद एग्जिस्टिंग फोल्डर यहां पे इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि मैं पहले ये टास्क परफॉर्म करके टेस्ट कर चुका हूं, इसलिए मेरे गूगल ड्राइव पे डेली वर्क का पहले से फोल्डर यहां पे शो करेगा। तो मैं यहां पे कंटिन्यू कर देता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हां ठीक है मर्ज हो जाए। आपको सिर्फ यस करना है क्योंकि आपके केस में फर्स्ट टाइम वहां पर फोल्डर क्रिएट होगा, ठीक है। तो मैं यहां पे कंटिन्यू कर देता हूं। कंटिन्यू करने के बाद यहां पर सिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। यहां पर आप देखेंगे आपका जो फोल्डर है जो भी आपने ऐड किया है, आप यहां पर मल्टीपल फोल्डर भी ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक ही फोल्डर, यहां पर आपके पास ऐड फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, आप मल्टीपल फोल्डर भी अलग अलग ड्राइव से यहां पर ऐड कर सकते हैं जिनका बैकअप ऑटोमेटिकली आपके गूगल ड्राइव पे सिंक होता रहेगा। ओके, देन यहां पे जस्ट आपको ये टास्क करने के बाद जस्ट आपको सेव कर देना है। अभी यहां पे पेंडिंग चेंजेस आ रहा है, इसलिए यहां पे दैट मीन कि सिंक अभी फाइल्स हो रही हैं।
सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप इस ऐप को यहां से क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। क्लोज इसलिए फुली नहीं होती क्योंकि आपके क्विक लॉन्च में आपके लगातार ये बैकग्राउंड में वर्क करती रहेगी, ठीक है। आप देख सकते हैं इस फोल्डर पे भी एक राइट का निशान आ गया, दैट मीन कि ये सिंक हो गया है गूगल ड्राइव के साथ। इसे मैंने ओपन किया तो यहां पर भी आप देख रहे हैं सभी फाइल पर यहां पर एक ग्रीन कलर का टिक का निशान आ रहा है, दैट मीन कि ये लगातार गूगल ड्राइव के साथ सिंक हो रही है। तीसरा ऑप्शन, आप यहां पे गूगल ड्राइव के इस आइकन पे क्विक लॉन्च टूल बार में यहां पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पर जो भी रिसेंटली फाइल यहां पे सिंक हुई है वो यहां पे आपको शो कर जाएगी, ठीक है। यहां पे सभी ग्रीन टिक आ रहा है, दैट मीन कि सभी फाइल सिंक हो चुकी है। आप चाहें तो अपने गूगल ड्राइव में जाके देख सकते हैं कि गूगल ड्राइव में अब आपको इस फोल्डर में ये सभी फाइल्स वहां पर देखने को मिलेगी। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूं। यहाँ पे हम गए अपने ब्राउजर में, ब्राउजर में जाने के बाद आपको जीमेल लॉगिन करना है अपनी आईडी से, देन हम यहाँ पे गूगल ड्राइव में जाते हैं। गूगल ड्राइव में जाने के बाद आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आएगा। माई ड्राइव में तो आप जो ऑनलाइन ऑनलाइन फाइल अपलोड करते हैं वो यहाँ पे आएगी, देन यहाँ पे कंप्यूटर्स आएगा। कंप्यूटर्स में यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके कंप्यूटर का नाम यहाँ पे शो कर जाएगा, जैसे मेरा कर रहा है यहाँ पे माई कंप्यूटर। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका वो फोल्डर, जितने भी आपने फोल्डर यहाँ पे बैकअप के तौर पे ऐड किए हैं विद द हेल्प ऑफ ऐप, तो वो यहाँ पे आपको शो कर जाएंगे। तो आप देख सकते हैं डेली वर्क फोल्डर जो मेरा डेस्कटॉप पे है वो मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पे वो सभी फाइल्स मेरे फोल्डर की यहाँ पे शो कर जाएगी। आप देख सकते हैं वो सभी फाइल्स यहाँ पर मेरे शो कर रही है, ठीक है। इसमें कुछ खास बात और भी है। सपोज आप यहां पर लगातार सिंक ये फाइल हो रही है, आप अपडेट कर दें, आप अपडेट करेंगे कोई फाइल को तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे अपडेट हो जाएगी। आप नई फाइल ऐड करेंगे इस फोल्डर में तो वो ऑटोमेटिकली गूगल ड्राइव पे चली जाएगी। लेकिन तब क्या, अगर सपोज किसी ने क्या किया, ये फाइल सब डिलीट कर दी, मैंने सपोज इस फाइल को डिलीट कर दी, सभी फाइल्स को डिलीट कर दी, तब क्या होगा? तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपके पास एक पॉपअप आ जाएगा, आइटम रिमूव कर दिए गए हैं फोल्डर से और ये सभी आइटम्स चले जाएंगे ट्रैश फोल्डर में, ठीक है। यानी कि आपके पास यहां से अगर इस फोल्डर से कुछ आइटम्स डिलीट कर भी दिए गए हैं तो वो ट्रैश फोल्डर में चले जाएंगे जो कि 30 डेज तक वहां पे रहेंगे, यानी कि 30 दिन तक आप उनका बैकअप ले सकते हैं। इस तरीके से आपको बैकअप सुविधा मिलती है। कैसे लेंगे, ठीक है। अभी सपोज ये फोल्डर मेरा खाली है, मैंने सभी फाइल्स यहां से डिलीट कर दी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको क्या करना है, अपने गूगल ड्राइव पर जाना है, ब्राउजर में जाके लॉग इन करना है। यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर भी डेली वर्क में से सभी चीजें चली गई हैं। आपको क्या करना है, यहां पर आपको एक फोल्डर मिलेगा बिन का, इस बिन में जाना है। बिन में जाने के बाद यहां पर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहां पर आपको सभी फाइल यहाँ पे नजर आ जाएगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे सभी फाइल्स यहाँ पे नजर आ रही हैं। आपको क्या करना है, इन सभी फाइल्स को सिलेक्ट करना है, किसी एक फाइल को सिलेक्ट करके कंट्रोल ए दबाना है, देन राइट क्लिक करना है इन पे और रीस्टोर पे क्लिक कर देना है। रीस्टोर आप जैसे ही करेंगे ट्रैश से फाइल गायब हो जाएंगी, माय कंप्यूटर्स में जाएंगे, डेली वर्क में जाएंगे, यहां पे ये फाइल आपको वापस से नजर आने लगेगी और कुछ ही देर में आप देखेंगे कि डेली वर्क जो फोल्डर है आपका वो सिंक हो जाएगा और यहां पे ये फाइल वापस से आ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से फाइल अगर यहां से डिलीट भी हो जाए तो आप उसको ट्रैश फोल्डर से वापस ला सकते हैं। तो गाइस आपने देखा किस तरीके से मैंने गूगल ड्राइव की हेल्प से अपने जो डेटा था उसका बैकअप यहां पे रखा, आपको फाइल्स डिलीट करके ही बताई, टोटली प्रैक्टिकली परफॉर्म करके बताया कि किस तरीके से आप एक बैकअप के तौर पे गूगल ड्राइव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एकदम फ्री प्लेटफॉर्म आपको दिया जा रहा है एज अ क्लाउड स्टोरेज। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।